दोस्तों, हिंदी फिल्म की सुपर स्टार अभिनेत्री हेमा मालिनी और अभिनेता जितेंद्र ने एक साथ कई फिल्में की हैं और दोनों के अफेयर के खिस्से भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे ही खबरें भी आई कि उस वक्त जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन हेमा मालिनी से पहले अगर किसी ने जितेंद्र के दिन पर दस्तक दी है तो वो थी श्रीदेवी। दोस्तों, श्रीदेवी साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला से ही श्रीदेवी को हिंदी फिल्म में पहचान मिली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्देशक के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट करने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला के लिए साइन किया गया तो वह इस बात से बेहद खुश हुई, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले से ही श्रीदेवी जितेंद्र की बड़ी फैन थी। लेकिन जितेंद्र भी श्रीदेवी से प्यार करने से खुद को दूर नहीं रख पाए। दोस्तों, फिल्म हिम्मत वाला जबरदस्त हिट रही और ये जोड़ी बॉलीवुड के हार्ट केक बन गई। जल्द ही दोनों रोमांस के चर्चे भी आम हो गए। जितेंद्र ने जैसे ही अपनी चाहत का इजहार किया तो बात जितेंद्र को पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की भी खबर थी कि जितेंद्र के कहने पर ही श्रीदेवी को उनके साथ कास्ट किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों को बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने को लेकर जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एक्का कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भूल पाई। और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। दोस्तों, अभी तक आप जय यादव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो के लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताएं।